नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीच लाइफ पे। वसई में बड़ा प्रोजेक्ट है सनटेक का, वसई सुरीच बीच में। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम तुषार सावंत है और इस प्रोजेक्ट के आज मैं विजिट कराऊंगा। इसके साइज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, इसके प्राइस के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा और इसकी जो लोकेशन है, लोकेशन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये पूरे 51 एकड़ की बड़ी सी टाउनशिप डेवलप हो रही है और यहाँ से इसका आपका मेन गेट है। यहाँ से मेन गेट होने के कारण इसका जो वसई का जो बीच का जो किनारा है उसकी स्टार्टिंग यहीं से होती है और बिल्कुल यहाँ से देख रहे हैं कि ये जो रोड है सीधा का सीधा आपका सुरीची बीच की तरफ जाता है और बिल्कुल ये सुरीची बीच का जो ये रोड है सीधा सुरीची बीच की ओर जाता है और ये जो रोड आपका ऑफिस की तरफ जाता है। तो ये वाली जितनी भी लैंड आप देख रहे हैं, 50 एकड़ की जो भी आप लैंड देख रहे हैं, ये बिल्कुल वो वाली लैंड है जो मुंबई में पहली बार हुआ है कि समुद्र के किनारे पर 50 एकड़ लैंड किसी को पास आउट हुई हो। और अगर आप लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं जिसमें आपको लग्जरी एमिनिटीज़ मिले, जिसकी कल्पना एक ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में आप देख सकते हैं, तो बिल्कुल बीच का किनारा है, लग्जरी एमिनिटीज़ है, पूरा प्रोजेक्ट ही एक लग्जरी थीम पे डिपेंड है। तो इस मैं सनटेक वसई सुरीची बीच का जो प्रोजेक्ट है आपका सनटेक का, उसके ऑफिस के पास में आ गया हूँ। अब मैं आपको इसकी विजिट कराता हूँ, इसके ऑफिस के अंदर का, इसका जो भी इसका डेमोन्स्ट्रेशन किस तरीके का, इसका जो पूरा एलिवेशन है, पूरे 50 एकड़ का जो प्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल तैयार है आपके लिए। तो आइए मैं उसको खूबसूरती सुंदरता को आपको दिखाता हूँ। तो ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं ये पूरा ऑफिस का एरिया है, ये ऑफिस है इसका, और ये वाला पूरा एरिया अपना जो एक्चुअल में जो प्रोजेक्ट है ये उसका एरिया है। तो 50 एकड़ की एक प्री प्लानिंग के अकॉर्डिंग एक लग्जरी फीलिंग कराने वाली एक टाउनशिप डेवलप हो रही है, जिस प्रोजेक्ट को आप मान सकते हैं कि पूरी तरीके से उन लोगों के लिए बनाई जा रही है जो अपनी लग्जरी लाइफ को जीना चाहते हैं। ठीक है, अगर आपके पास पेमेंट का कोई भी इशू नहीं है तो इधर 2 BHK, 3 BHK और 3 BHK बंगलों भी हैं इधर, और वो बंगलों आपको 5 BHK और 6 BHK बंगले भी हैं। तो आइए इस पूरी प्रेजेंटेशन में आपको पेश करता हूँ, आइए। तो मेगा टाउनशिप 50 एकड़ का प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं, सामने सी फेसिंग है, 280 एंगल से आपको पूरा का पूरा सी फेसिंग मिलता है। ये पहली बार हुआ है इंडिया में, मुंबई के अंदर, शायद ही आपको ग्रैंड लेवल पे इतना बड़ा लैंड बैंक आपको सी फेसिंग के एक्चुअल सी फेसिंग पे आपको मिले। ये बिल्कुल आपका सुरीची बीच का किनारा है। अगर मैं आपको पूरा यहाँ से डिफाइन करूँ तो ये आप देख सकते हैं पूरा का पूरा सी फेसिंग है और ये पूरा का पूरा आपका सुरीची बीच का किनारा है। आप देख सकते हैं कि 275 एंगल से आपका यहाँ से सी राउंड होता है, तो आपको उस तरफ भी सी मिलता है, उस तरफ भी सी मिलता है और आपके फ्रंट में भी सी मिलता है। तो ये आपका 50 एकड़ का पूरा लैंड बैंक है। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा प्रोजेक्ट पे एमिनिटीज़ पे खास फोकस किया गया है। इसकी जो एमिनिटीज़ है मैं बात करूँ तो 50 एकड़, जी हाँ दोस्तों, 50 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है और 50 एकड़ में से सिर्फ 10 एकड़ का जो है, 10 एकड़ में आपका कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। जो एलिवेशन आप देख रहे हैं ये ओनली 10 एकड़ में है, बाकी 40 एकड़ आपको पूरा का पूरा एमिनिटीज़ के लिए है। 40 एकड़ आपका एमिनिटीज़ के साथ साथ यहाँ पे जो कमर्शियल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, कमर्शियल में टोटली ब्रांड है, जो आपका अंधेरी, वर्सोवा, जो भी आपको ब्रांडेड जो भी चीज़ें मिलती है, ब्रांडेड लोगों के लिए जो भी ब्रांडेड चीज़ें मिलती है, वो सभी ब्रांड आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे। ठीक है, तो वसई एक ऐसी जगह है जहाँ का प्राइस जो है विरार या आपका जो यहाँ का जो नियर बाय नालासोपारा या आपका नायगांव हो गया, इन सबसे प्राइस ज़्यादा है, क्योंकि वसई में ऑलरेडी पहले से ही डेवलप एरिया है और सुरीची बीच का एक पिकनिक स्पॉट है जिसको और भी अच्छी तरीके से डेवलप किया जा रहा है। मैं अगर लोकेशन की इसकी बात करूँ तो लोकेशन सुरीची बीच पर होने के कारण, तो लोकेशन में एक खास बात बताऊं तो इसका जो भी एक्सेस रहेगा, इन या आउट रहेगा, वो कोस्टल रोड के हिसाब से इसको डिजाइन किया जा रहा है। कोस्टल रोड आपको पता होगा कि चार दिन पहले अभी नितिन गडकरी ने 50,000 करोड़ का सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये डायरेक्ट एक पास आउट किया है कि इस रोड को बहुत तेजी से बनाया जाए। जी हाँ दोस्तों, तीन साल के अंदर इस प्रोजेक्ट को, कोस्टल रोड को पूरी तरीके से तैयार किया जाएगा, जिसके कारण आपका जो मुंबई के अंदर जो एंटर और एग्जिट है वो सीधा कोस्टल रोड के थ्रू होगा। तो इसका पूरा जो थीम है, पूरा जो इस प्रोजेक्ट की 50 एकड़ की टाउनशिप की जो थीम है, बीच के किनारे की थीम है, ये पूरा का पूरा कोस्टल रोड के हिसाब से डिजाइन की गई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका जो जो आपका सी फेसिंग का जो आपका जो
एंट्रेंस है वो दो इन्होंने एग्जिट रखे हुए हैं। दो एग्जिट के साथ साथ ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि बिल्कुल सी फेसिंग का बिल्कुल किनारा है ये। और मैंने आपको ये भी दिखाया कि ये गोल्फ कोर्स का ये आपका एरिया पड़ता है। इसमें जो एमिनिटीज़ लग्जरियस एमिनिटीज़ है जिसमें आपको बंगले मिलते हैं, तो आप मेरे सामने देख रहे हैं कि पूरे के पूरे बंगले और विलास है, तो आप बंगले विलास में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें आपको ये जो बिल्डिंग टावर दिख रहा है A1 A2 और A3 ये 3 BHK के फ्लैट्स हैं। और इसके जो बैक साइड में जो फ्लैट्स टावर आ रहे हैं आपके B1 और B2, ये B1 B2 हैं, ये आपके 2 BHK के टावर हैं। ये पूरा का पूरा जो एलिवेशन आपको जो दिखाई दे रहा है वो 38 फ्लोर का एलिवेशन है। 38 फ्लोर में से जो आपका बेसमेंट जाएगा वो आपका पार्किंग का होगा। इसके ऊपर 4 आपको पोडियम के ऊपर पार्किंग एरिया दिया जाएगा। पार्किंग एरिया के जो आपका जो ये जो पूरा टावर है इसमें 2 BHK का एलिवेशन अलग ही है और इसमें 3 BHK का एलिवेशन बिल्कुल सेपरेट है। अगर मैं 2 BHK की बात करूँ तो 2 BHK के अंदर आपका 608 का यूजेबल कारपेट एरिया है और 635 का यूजेबल कारपेट एरिया है। अगर मैं 3 BHK की बात करूँ तो 3 BHK में आपका 785 का यूजेबल कारपेट एरिया है। 785 यूजेबल कारपेट एरिया फर्स्ट। अच्छा, इसमें भी वेरिएशन है। अगर आप 2 BHK में जाते हो तो 2 BHK के अंदर जो आपका 604 का जो साइज है वो 604 का जो साइज है आपका वो आपका 15 फ्लोर से नीचे के साइज है, उसमें 6 फ्लोर होगा। 15 फ्लोर से ऊपर जाएंगे आप तो आपको ये साइज जो है वो 635 का साइज हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं 3 BHK की बात करूँ तो 3 BHK के अंदर आपका जो साइज है वो आपका 785 का साइज है, जो 15 फ्लोर से नीचे का साइज होगा आपका, ग्राउंड फ्लोर से 15 फ्लोर मतलब जो थर्ड फ्लोर से लेके आपका 15 फ्लोर तक आपका 785 का साइज होगा। और अब मैं 15 फ्लोर से ऊपर की बात करूं तो आपका 90904 का साइज 908 का साइज होगा। इसके बाद इन्होंने एक ग्रैंड जो B3 है, जो टावर आपका जो थर्ड टावर है आप जो देख रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड टावर है, तो जो ये थर्ड टावर आप जो देख रहे हैं ये वाला जो टावर है ये बिल्कुल इसका सी फेसिंग फ्रंट पड़ता है। इसमें जो आपका जो जो साइज़ है वो 1103 का साइज़ है, मतलब 1103 का साइज़ है। तो ये 5-स्टार होटल है, इसमें एक बहुत बड़ा एक क्लब हाउस भी आ रहा है। तो क्लब हाउस है आपका 1 लाख स्क्वायर फीट का। जी हाँ दोस्तों, मुंबई के अंदर 1 लाख स्क्वायर फीट का क्लब हाउस पहली बार वसई में आने जा रहा है और शायद वसई में वो भी सी फेसिंग। तो आपको एक लग्जरी फीलिंग कराने की कोशिश करी गई है। सुरक्षा या अपना सनटेक का जो प्रोजेक्ट है तो बड़ा ही आलिशान प्रोजेक्ट है। अगर आप लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं तो बहुत ही बेटर है ये प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं। इसमें गोल्फ कोर्स है जो 15 एकड़ में आपका डेवलप हो रहा है। आप समझिए कि 10 एकड़ में ऑलरेडी डेवलपमेंट, 10 एकड़ में सिर्फ डेवलपमेंट आपके फ्लैट्स आएंगे और बंगलो आएंगे, बाकी 40 एकड़ सिर्फ आपके एमिनिटीज़ के लिए जगह छोड़ी हुई है। तो ये बड़ा ही लेविश प्रोजेक्ट है और आप इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इसमें मेरे को फ़ोन जरूर करें। अब मैं इसमें आपको थोड़ा सा आपको लेके चलता हूँ। इसके जो आप देख रहे हैं ये बंगला देख रहे हैं, इसमें आपको पर्सनल स्विमिंग पूल मिलता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें दो साइज हैं बंगलो के आपके, जो 5500 स्क्वायर फीट का है, 4500 स्क्वायर फीट का है। आइए हम उसमें आपको लेके चलता हूँ, बिल्कुल आपका बंगला दिखाने आपको। 5 BHK 6 BHK बंगले मेरे पास 5500 स्क्वायर फीट के, सनटेक वसई सुरुचि बीच में। जी हाँ दोस्तों, समुद्र के बीच के किनारे आपको बंगले मिलते हैं, सेम आप देख रहे हैं, बिल्कुल अंदर इंटरग्रेटेड टाउनशिप है, 50 एकड़ की टाउनशिप के अंदर ये आप देख रहे हैं 5500 स्क्वायर फीट का बंगला, बिल्कुल मेरे सामने देख रहे हैं। 3 गाड़ियां खड़ी हैं, सामने पार्क है आपके लिए, छोटा सा पार्क है, और बिल्कुल आपका ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। जी हाँ दोस्तों, चारों तरफ से आपको ओपन मिलता है, पर्सनल इसका स्विमिंग पूल भी आपको मिलता है। आप देख सकते हैं बैक साइड की तरफ स्विमिंग पूल है। अच्छा, इसकी लाइट पीछे से नहीं आ रही इसलिए फोकस ले, मैं दूसरा बंगले के ऊपर लेके जाता हूँ आपको। ये आप देख सकते हैं सेम बंगला, 5500 स्क्वायर फीट का आपका बंगला है ये। तो आप देख सकते हैं कि नीचे का जो एरिया आपका ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर एक लैविश तरीके से आपको दिया जा रहा है। तो बड़ा ही आलिशान स्पेस है जिसमें आपका पर्सनल, जी हाँ दोस्तों, पर्सनल स्विमिंग पूल है आपका, पर्सनल आपका गार्डन है। आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं कि ऊपर आपको पर्सनल गार्डन मिलता है। तो ऊपर जो आप देख रहे हैं आपके सेकंड फ्लोर पे आपको पर्सनल गार्डन मिल रहा है, नीचे का बिल्कुल स्पेस बड़ा है। तो 5500 स्क्वायर फीट का बंगला है दोस्तों। उसके बाद 4500 स्क्वायर फीट का और एक बंगला है, तो आपको दो बंगलों की चॉइस यहाँ पर मिल सकती है। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ सनटेक में आने के बाद आपको कैसी फीलिंग